मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम। इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन में NLM में हमने 31 ईयर में हमने डिस्कस किए थे, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो अगर आप देखो पूरी ज़िंदगी भर याद रखो मेरा ये कॉन्सेप्ट, कभी भी तुम कुछ करते हो तो प्रॉब्लम आएगी। इट्स इम्पॉसिबल यार, इट्स इम्पॉसिबल कि प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम तो हमेशा आएगी यार। बट द मेन आगे कैसे बढ़ना, सक्सेस कैसे पाना है, ठीक है, तो सक्सेस पाने के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ जाना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ जाना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको समझने की कोशिश करो कि मैंने कैसे किया, सर ने कैसे किया, ठीक है, और कहाँ से मैं करूँ, उनके जैसे मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो जब तुम ऐसे कोशिश करोगे, ठीक है, एफोर्ड करोगे, तो ऑब्वियसली 100% तुम सक्सेस होगे, तुम अच्छी रैंक लाओगे। ठीक है, अब एक बंदा जिसको समझ नहीं आता, चलो छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर तुम उसको छोड़ दिए तो उसमें जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था वो भी तुम्हारे साथ गोल हो गया, फिर प्रॉब्लम हो अगले बार भी आएगा कहीं। तो इस टाइप से प्रॉब्लम को छोड़ नहीं, प्रॉब्लम कोई समझ नहीं आ रहा, उसको कोशिश करो, सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ जाओ। चलो, एक कहता है कि एक पार्टिकल पे फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। एक पार्टिकल पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उस पे फोर्स जो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, उसका एक ग्राफ नीचे आपको दिया हुआ है। कहता है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल 0 to 8 सेकेंड। चलो, 0 to 8 सेकेंड जो है, 0 यहाँ है और 8 सेकेंड यहाँ है, तो पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा। अब मोमेंटम कैसे निकालेंगे यार, FT ग्राफ से। अगर आप थियरी पढ़े हो तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी एफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाता हूँ, तो इसका जो एरिया होता है, दैट एरिया, ये फोर्स F हो गया और ये टाइम T हो गया, तो ये आ जाएगा FT। एरिया जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम, एरिया अंडर द कर्व, क्या बोलते हैं इसको, एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया है दैट इज गिव द चेंज इन मोमेंटम। क्लियर होगा, इसका मतलब ये हुआ एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अगर मैं इसे 0 to 8 तक चेंज इन मोमेंटम निकालना, तो 0 to 8 तक जो कर्व बना उसका एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इस स्क्वायर का एरिया चाहिए, इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, वही चेंज इन मोमेंटम देगा। और ध्यान देना कि जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके साइन भी कंसीडर करेंगे, बिना साइन के हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, वी ऑल्सो कंसीडर द साइन। ठीक है, अगर बिना साइन के करोगे तो आपको गलत आ जाएगा इस। ठीक है, चलो, तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम जो है 0 to 1 सेकेंड, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2, बेस ऑफ द ट्राइंगल बेस 2, हाइट ऑफ द ट्राइंगल 6, नीचे एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल ही है, 3 multiplied by 2 प्लस, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 8 - 4, 4 multiplied by 3। ठीक है, तो इस ये, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, ये 2 ने 2 को काट दिया, ये 6 - 6 और प्लस 12, तो 6 ने 6 को मतलब 12 न्यूटन जो है, न्यूटन सेकेंड चेंज इन मोमेंटम, मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया। जब कभी भी फोर्स और टाइम का ग्राफ बनेगा तो उसका जो एरिया होगा वो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स देगा। ठीक है, क्योंकि जो इम्पल्स अगर पूछता तो इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो ऐसे हम निकाल लेते, कैलकुलेट कर लेते। ठीक है,